नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपा टूर में हूँ यार। अभी मैं इथियोपिया देश के साउदर्न पार्ट में। इससे पहले वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा हमर जनजाति का जो बुल जंपिंग सेरेमनी होता है उसके बारे में था, काफी इंटरेस्टिंग था यार। और आज का ब्लॉग भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये दसानिश ट्राइब के बारे में होने वाला है। सफर कैसा होता है उन तक पहुँचने का वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखेंगे। ओमो रिवर हम लोग पार करके जाएंगे क्योंकि शायद इकलौता वही रास्ता है उन तक पहुंचने का। तो यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर रुके हुए थे हम लोग। हर किसी के हाथ में गन होता है यार, यहाँ पे आम बात है। तो भाई ये नदी पार करके जाना पड़ेगा यार। उस पार गांव है दसानिश ट्राइब के लोगों का। एक लड़के को देखिए यार, कितने बड़े बड़े फिश लेके जा रहे हैं इस नदी से। ये ओमो रिवर है दोस्तों, और आप लोगों को पता होगा इस ओमो रिवर में मगरमच्छ भी हैं काफी सारे। ये जो जनजाति के लोग हैं यार दसानिश, ये मगरमच्छ खाना बहुत पसंद करते हैं। इस ओमो रिवर के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ मैं। इस ओमो रिवर के नाम से ही ये पूरे वैली का नाम ओमो वैली पड़ा है, जहाँ पर अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। और यार ये इथियोपिया देश का दूसरा सबसे गहरा नदी है। यहाँ का बोट यार सच में बहुत यूनिक है, एक पेड़ को ही बना दिया गया है ऐसा यार, है ना? कहीं पर जोड़ नहीं देखने को मिलेगा। दूर से गुया रुमाल हिलला, ए भाई अजब गजब का ये भाई बोट है यार। तो भाई समय हो चुका है गेम खेल के पैसे जीतने का यार। जी हाँ दोस्तों, मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा गेम लकी जेट, जो कि मैं खेलता हूँ onewin.pro के वेबसाइट पे। ये गेम खेलना बहुत ज्यादा आसान है यार, आप लोगों को पैसे लगाने होते हैं जेट के फ्लाई करने से पहले। मैं कैसे खेलता हूँ और पैसे कैसे जीतता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। onewin.pro का वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों इधर कॉर्नर पे देखिए आप लोग, लकी जेट गेम दिख रहा होगा। ये मैं ओपन करता हूँ, ओपन हो रहा है और पहले नंबर पे ही मैं 500 रुपये लगाता हूँ भाई, देखते हैं क्या होता है। ये जेट ने फ्लाई करना शुरू किया, सेफ खेलूंगा थोड़ा। 2x निकाल लेना चाहिए यार। ये मैंने 1100 रुपये जीते दोस्तों 500 रुपये के बदले, 2x से थोड़ा ज्यादा। मैं एक बार और खेलता हूँ, अभी 1000 लगाऊंगा। हार गया भाई, कोई बात नहीं, अभी मैं 2000 रुपये लगाता हूँ। ₹4400 जीते दोस्तों, लॉस भी रिकवर हो गया और फाइनली मैं काफी बेनिफिट में हूँ। ये गेम खेलना बहुत आसान तो है ही और काफी सिक्योर भी है दोस्तों, और जीते हुए पैसे को विथड्रॉ करना भी काफी आसान है। प्रोफाइल पे जाके विथड्रॉ पे जाना है और पैसे निकाल लेने हैं जिस भी मेथड से आप लोगों को अच्छा लगे। और एक खुशखबरी तो यार मैंने आप लोगों को बताया नहीं, अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं deep300 तो आप लोगों को ₹25,000 तक का बोनस भी मिलेगा भाई। तो भाई देर किस बात की यार, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है इस वेबसाइट का, वहां पे जाइए, गेम खेलिए, अच्छे से पैसे जीतिए, है ना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसा कर रहा हूँ मगरमच्छ हाथी न खींच ले, पूरा का पूरा मैं भी चला जाऊंगा उसके अंदर, वो बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी हो जाएगी। फिर मैं उसको बोलूंगा कि यार आपको जो खाना है वो तो मैं पेड़ के ऊपर में छोड़ के आ गया, सुना है नहीं आपने ये कहानी। बहुत सारे अलग अलग नाम है मैंने नदी पार किया हुआ है दोस्तों, लोकल्स भी अलग अलग देशों में अलग अलग ट्राइब के लोगों के पास अलग अलग डिजाइन का होता है, लेकिन वो सिमिलर होते थे ना, लेकिन ये यार बहुत अलग है भाई। खतरनाक यार, खतरनाक सही में। एक तो एक लाइफ जैकेट भी नहीं है। वास्तव में ना यहाँ पे एक बंदा होता है जो भी आते हैं उस पार से इस पार या इस पार से उस पार, तो एक बंदा होता है अलग से बैठा होता है वो बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास नहीं, हमें खुद बैलेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी रफ फ्लो है पानी का। तो भाई नदी पार करके आ गए हैं, इधर काफी सारे अलग अलग बस्तियां हैं, अलग अलग गाँव है दसानिश ट्राइब के लोगों का। इस जनजाति के बारे में मैं और भी डिटेल से बात करूंगा, लेकिन इधर आप लोग देख सकते हैं फार्मिंग। ज्यादातर ट्राइब लोगों का जो बस्ती है यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि वो जंगली जीवन पे आधारित है, गाय बकरी वगैरह तो है उनके पास में ऐसा है, लेकिन इस जनजाति के लिए गवर्नमेंट ने काफी हेल्प किया और ये धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। बाकी जनजातियों के लिए भी गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि वो आगे बढ़े, खेती बाड़ी करना सीखे,
है ना, जो आम जनजीवन लोग जी रहे हैं वैसा जिए, लेकिन उनको वो सब चाहिए ही नहीं यार, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन इस जनजाति के लोग थोड़ा एक्सेप्ट करने लगे हैं। दोस्तों, इस ट्राइब के फीमेल्स शादीशुदा हैं या नहीं पहचानने के लिए उनका हेयर स्टाइल देखना पड़ता है। अगर हेयर स्टाइल कुछ ऐसा हो दाएं बाएं आगे पीछे, इसका मतलब है वो अनमैरिड हैं। अगर हेयर स्टाइल बहुत सिंपल हो पीछे की तरफ में, इसका मतलब है कि वो मैरिड है। दोस्तों, यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए बाकी गाँव से ना, बहुत गर्मी है भाई, और ये दसानेस ट्राइब के लोग केन्या देश के बहुत करीब में रहते। तो यार इधर में एक गाँव आप लोग देख सकते हैं, ऐसा भी घर है यहाँ पे, लेकिन धूप भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन वेंटिलेशन अच्छा है ना, तो हवा मिल रहा है इनको यार। लेकिन अब तक मैंने अलग अलग जो जनजाति देखे उनसे थोड़ा अलग ये इनका जो घर है बनाने का तरीका है, ये थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है, उतना नेचुरल नहीं है जैसे कि ये टीन का और प्लास्टिक का। और गर्मी तो इतना है भाई, कड़ाके की धूप पड़ रही है, और ऐसा प्लास्टिक और टीन में रहना, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, और अंदर में क्या स्थिति होता होगा यार। और इनका भी गेट बहुत छोटा होता है, वो रिस्पेक्ट करने वाला कुछ है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मेंस होते हैं, वो घर के बाहर ही सोते हैं, उनके बीवी बच्चे अंदर में सोते हैं। और शादी वगैरह का भी वही है यार, बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, गाय बैल कितना दे पाएंगे आप, बकरियां कितना दे पाएंगे लड़की के पापा को, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। बाकी की बातें चलते चलते करते इस गांव को घूमते हैं, आइए मेरे साथ। सबका घर एक जैसा है यार, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। और ये टीन और प्लास्टिक के घर जो हैं, इसके अलावा ऐसे घर भी हैं बीच बीच में, है ना। दुबई जा रहे हैं यार यहाँ से, लंच हम लोगों ने वहाँ पर ही किया, पास में ड्राइव जो है वहाँ पे, लगभग 4-5 किलोमीटर में जाने के बाद में। भाई वापस जा रहे थे यार, ये प्रॉब्लम आ गया पूरा चपटा हो गया भाई टायर। चलो भाई, लोग यार मस्त ठंडे का मजा ले रहे हो और मैं यहाँ पे गर्मी झेल रहा हूँ। एक और जनजाति को एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं, आप लोग देखेंगे इसी वीडियो में ही, अर्बोरे जनजाति के बारे में। जहाँ पर मैं था दसानेस ट्राइब के लोगों के पास, वहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन चूंकि घूम के तुरमी पहुंचने के बाद वहां से एक नदी पार करना था और नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, तो घूम के आना पड़ा। लगभग 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा ही मुझे लगता है आए। यहाँ एक जगह रुके हुए हैं हम लोग खाना खाने के लिए, यहाँ आसपास का जो भी गांव है और बोरे जनजाति के लोगों का गांव है। दोस्तों, तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ एक गांव में, आइए जाके देखते हैं गांव के अंदर कि यहाँ पे घर कैसे हैं, लोग कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा कैसा है वगैरह वगैरह, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, इस जनजाति में अलग क्या है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इधर में तो लड़कियों को देखो यार, इन्होंने पूरा सेव करके रखा है ना। मतलब इस जनजाति में ऐसा है कि शादी से पहले आप बाल नहीं बढ़ा सकते, आप लोगों को सेव करते रहना पड़ेगा, जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही बाल बढ़ा सकते हैं। तो ये अलग है इस जनजाति में। ये यार अरबोरे जनजाति के दादा लोग हैं, पता नहीं किधर गए थे, खेत में गए थे क्या। और इधर आप लोग देखिए, यहाँ पर ओमो वैली में जितने भी जनजाति हैं सबके हाथ में ये होता है, ये घर से बाहर निकले मतलब ये इनके हाथ में होना जरूरी है। ये तकिया का भी काम आता है जैसा मैंने पहले भी बताया, और इसमें ये बैठ भी जाते हैं भाई। यहाँ पे कुछ और दादा भैया लोग आ रहे हैं दोस्तों। बडाको बडाको बोले से बडाडा बोलते हैं, बडाको बडाडा बडाडा। ओके, हेलो बडाडा। इनका ड्रेसिंग स्टाइल देखिए यार आप लोग, ऐसा पगड़ी बांध के रहते हैं भाई। एक घर के अंदर जा रहे हैं यार, इनका घर अंदर से कैसे दिखता है ये दिखाने के लिए। तो इनका हॉल देख लीजिए, तो दिन में यहाँ पे बैठते हैं, लेटते हैं, खाना बनाते हैं, इधर बर्तन धोते हैं, है ना, और सोने के समय पे इधर अंदर। यहाँ फिलहाल एक बिल्ली है अरे यार बिल्ली को ऐसे बांध के रखे डॉगी जैसा। मेरे पास भी एक बिल्ली थी, हमने तो कभी नहीं बांधा। बर्तन भाड़ा कपड़े सब कुछ एक ही रूम में होता है ना। और ये चटाई इनका लेदर का काउ स्किन है शायद, तो ऐसा है भाई इनका घर।
और बोरे जनजाति के लोगों का गांव देख रहे हैं दोस्तों आप। घर तो अंदर से दिखा दिया मैंने कैसा है, बाहर से अच्छे से देख लीजिए। ये ग्रास का है ना, सूखा हुआ एक खास प्रकार का ये घास है। एक और घर पे जाता हूँ यार, एक दादा है। हेलो बड़ा को बड़ा दा। तो यार इनका लंच चल रहा है, सोरगम खा रहे हैं ये, है ना, कॉफी शेल। ओ ये दादा काफी स्टाइलिश लग रहे हैं यार मुझे। यो वे इनकी दादी भाई करे ना। इस जनजाति की बूढ़ी महिलाएं यहाँ से निकलना चाहिए यार, अभी काफी लंबा सफर है अभी जिनका जाना है। जाने से पहले यहाँ पे रुक गया हूँ यार, एक ट्राइबल मार्केट है, छोटा ट्राइबल मार्केट ये दिखा तो मैं सोचा थोड़ा घूमते चलते हैं। यहाँ पे खाने पीने की चीजें बिक रही हैं क्योंकि इनको भी तो चाहिए ना भाई सामान खाने पीने का। ये समय टाइप की हैं, इनके फेस पे टैटू है। चलते हैं यार, 4 घंटे आसपास लगेंगे यहाँ से जिनका पहुँचने के लिए। इसके बाद दोस्तों मैंने ओमो वैली के एक और ट्राइब को एक्सप्लोर किया, वो आप लोग अगले वाले ब्लॉग में देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये देखिए, मैं यहाँ से फ्लाइट लिया अडिस अबाबा के लिए। अडिस अबाबा में एक दिन रुकने के बाद में मैंने फ्लाइट लिया दीरे दावा के लिए। दीरे दावा से फिर मुझे जाना था हरार। अब वीडियो में आगे देखें। वेलकम टू दीरे दावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा इंटरनेशनल है क्या? तो यार निकल गया हूँ दीरे दावा से हरार के लिए। एक बस जैसा है छोटा, जो केनिया में मटाटू बोलते हैं ना, वैसा ही। दोस्तों यहाँ रुका हुआ हूँ यार, मैं आगे हूँ हरार। ये होने वाला है आज के लिए मेरा रूम, लेकिन एक रात बस यहाँ पर मैं रह पाऊंगा यार। मॉर्निंग में जाना है वापस से दीरे दावा, क्योंकि फ्लाइट है 9:55 पे अडिस अबाबा के लिए, क्योंकि वहां से किसी दूसरे कंट्री में जाने का फ्लाइट ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ, जो कि रिफंडेबल नहीं है। तो यार बाहर चलते हैं, रात के खाने के लिए जा रहा हूँ भाई बाहर, उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे जाऊंगा। इधर सोलोमन से मिले। हेलो, वेलकम। थैंक यू। तो रात के लगभग 8:30 बज रहे हैं अभी। देखिए कैसे गलियां हैं भाई, इधर में इधर ही मैं रुका हुआ हूँ, इधर कहीं आप लोग खो जाओगे यार गली गली इधर। ये भैया जी बता रहे हैं कि यहाँ पे 90% जो आबादी है वो इस्लाम धर्म को मानती है। ये भाई खाने वाला हूँ मैं, इसमें ना फिश और एग डाला हुआ है और ये मटन के साथ में फ्राई हो रहा है भाई। तो यार खाना पीना खा के एक और गली पकड़ लिया है हम लोगों ने। अभी जहाँ जा रहे हैं अब बताता हूँ मैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम लोग हायना फीडिंग के लिए। हायना लकड़बग्घा भाई, जो जंगली वाले होते हैं ना पूरी तरह, जो वाइल्ड हैं, उनको फीड करने के लिए। रात के 9:10 हो रहे हैं और अभी का माहौल देखिए इधर। ये एक शहर है भाई हरार, और इस शहर का माहौल देखिए आप लोग। दोस्तों वैसे तो गूगल पे सर्च करने पर अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इथियोपियंस की माने तो ये जो हरार सिटी है ये 4th होलीस्ट सिटी ऑफ इस्लाम है, मक्का मदीना जेरूसलम के बाद। We have another 5 small gates like this. We call them Raba Midu, means the gate of the hyena. जिन गलियों पे मैं था जो आपने देखा, वहां से बाहर आ चुके हैं और उधर में जा रहे हैं जहाँ पे वाइल्ड हाइनास आते हैं। मेरे होंठ तक किस करके गया यार ये लकड़बग्घा भाई। कोटो, कम ऑन ब्रो। हाय ना माय फ्रेंड। ओके भाई, जंगली लकड़बग्घे हैं भाई, मजाक की बात नहीं, बहुत सारे यहाँ पे 100 से भी ज्यादा इधर उधर से आ रहे हैं। ये बहुत ही रेयर होते हैं भाई विश्व में ना, मुझे नहीं लगता कहीं और ऐसा जगह होगा जहाँ पर आप जंगली लकड़बग्घों को, वाइल्ड हाइनास को फीड कर सकते हैं। बहुत खूंखार जानवर है, इसके बारे में आप लोग सर्च करिए। तो ये वाला आप नहीं खाएगा, दूसरा वाला खाएगा। आ जा, कभी सोचा नहीं था यार वाइल्ड हाइनास को ऐसे फीड करूंगा मैं भाई। बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपने मुझे हार्म नहीं किया। गुड नाइट माय फ्रेंड्स। यार लाइट चली गई है यहाँ आसपास में, और अच्छा हुआ इनकी आंखों को देखो आप लोग भाई, चमकते हुए आंखें। निकल चुके हैं भाई हरार से दीरे दावा पहुंचने के लिए, लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है।